हेलो दोस्तों दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेलीगेटर लेजिस्लेशन की ग्रोथ के क्या कारण थे, अर्थात जो डेलीगेटर लेजिस्लेशन का कंसेप्ट है ये इंडिया में क्यों ग्रो हुआ, क्या रीज़न रहे इसकी ग्रोथ के। इवन अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एडवांटेज क्या है डेलीगेटर लेजिस्लेशन की, तो वो भी सेम ही आंसर आएगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीड क्या थी कि डेलीगेटर लेजिस्लेशन की ग्रोथ हुई, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ द डेलीगेटर लेजिस्लेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसकी क्या ग्रोथ के कारण थे, क्या एडवांटेज है इसकी, तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे सबसे पहले पॉइंट है प्रेशर ऑन पार्लियामेंट। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो डेलीगेटर लेजिस्लेशन को फॉलो करने का और इसकी ग्रोथ होने का सबसे बड़ा कारण है पार्लियामेंट में जो प्रेशर होता है, पार्लियामेंट में काम का प्रेशर होता है। आपको पता है पार्लियामेंट जो है बहुत ही बिजी बॉडी है, पार्लियामेंट को बहुत सारे मैटर पे लॉ बनाना पड़ता है, तो पार्लियामेंट के पास इतना काम है, इतना प्रेशर है कि कई बार तो पार्लियामेंट को कई की मैटर्स पे लॉ बनाने का टाइम नहीं लगता। पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि ये माइनर माइनर डिटेल को ध्यान में रखे, मेजर मेजर डिटेल को ध्यान में रखे और हर मुद्दे पे लॉ बनाए, नहीं तो पार्लियामेंट के पास उतना काम होता नहीं, इतना टाइम होता नहीं लॉ बनाने का, क्योंकि पार्लियामेंट के पास प्रेशर ही बहुत है। तो पार्लियामेंट के प्रेशर को रिलीज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो पार्लियामेंट है अर्थात जो लेजिस्लेचर है या स्टेट लेजिस्लेचर है, वो अपनी लॉ बनाने की पावर एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को डेलीगेट कर देते हैं, और विद द पर्पस टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटर लेजिस्लेशन इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। डेलीगेटर लेजिस्लेशन की ग्रोथ बहुत जरूरी हो गई ताकि पार्लियामेंट के ऊपर जो प्रेशर है काम का वो कम हो जाए। दूसरा जो पॉइंट है वो है टेक्निकली। देखो आपको पता है कि पार्लियामेंट लॉ बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं, इनको बहुत बार बहुत ही टेक्निकल मुद्दों पे लॉ बनाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल मुद्दों पे भी लॉ बनाने पड़ते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ पे लॉ बनाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी पे लॉ बनाना पड़ता है, जैसे कि ऑर्गेनिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, इनके ऊपर लॉ बनाने पड़ते हैं। तो जो ये पार्लियामेंट के मेंबर हैं राज्यसभा लोकसभा, ये पॉलिटिशियंस हैं, ये BA पास हैं, +2 पास हैं, ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन पास की हुई है, मतलब बोलने का ये है कि ये टेक्निकल मैटर को नहीं समझ पाते, इनको नहीं पता होता इंजीनियरिंग की लाइन क्या है, इनको नहीं पता होता कि डॉक्टर्स के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। तो ये टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं उन पर लॉ बनाने के लिए पॉसिबल नहीं होता, इनको बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है लॉ बनाने के लिए। तो इसी मुसीबत का हल करने के लिए डेलीगेटर लेजिस्लेशन की ग्रोथ हुई है, जिसके जरिए पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर अपनी लॉ मेकिंग पावर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को दे देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, वो टेक्निकली एक्सपर्ट होते हैं टेक्निकल मैटर में, अपने अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, हेल्थ में, एजुकेशन में, उसके बाद अपना इलेक्ट्रिसिटी के मामलों में, तो वो लॉ बना देते हैं फिर। तो ये जो टेक्निकलिटी की जो प्रॉब्लम आती है, टेक्निकलिटी सामने फेस करनी पड़ती है पार्लियामेंट को लॉ बनाते, तो इस समस्या का हल करने के लिए भी डेलीगेटर लेजिस्लेशन का ग्रोथ हुआ है, क्योंकि अब क्या है, अब जो पार्लियामेंट है लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, वो अपनी पावर एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देते हैं, और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज DC साहब, सचिव, सेक्रेटरी, वो प्रॉपरली एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड के, और वो लोग बना देते हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स बनाने का काम करना है, जो भी टेक्निकलिटीज हैं, तो टेक्निकलिटीज को सामना करने के लिए डेलीगेटर लेजिस्लेशन की ग्रोथ हुई है, और यही इसकी एडवांटेज भी है डेलीगेटर लेजिस्लेशन की, कि इसने पार्लियामेंट के प्रेशर को रिलीज कर दिया है, टेक्निकलिटीज को दूर किया है, टेक्निकल मैटर को ये सॉल्व करता है। तो ये दो जो हो गए इसके पॉइंट हो गए डिस्कस करने वाले। तीसरा पॉइंट जो है इसकी ग्रोथ का जो मेन कारण है वो फ्लेक्सिबिलिटी।
फ्लेक्सिबिलिटी। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डेलीगेटर लेजिस्लेशन होता है, जो लॉ बनाती है, कौन सी अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज या फिर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, अंडर द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटर लेजिस्लेशन, जब ये लॉ बनाते हैं तो इनका लॉ बनाने का तरीका बड़ा आसान होता है, सरल होता है। और ये क्या है ना, ये जब ये रूल बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबिलिटी होती है, बहुत फ्लैक्सीबिलिटी होती है। होता क्या है कि ये रूल बनाएंगे, रेगुलेशन बनाएंगे, तो अगर रूल रेगुलेशन ठीक लगे तो उनको वे कंटिन्यू रखेंगे, अगर ठीक नहीं लगे तो कैंसिल भी कर देंगे इमीडिएटली। आपको पता है जब पार्लियामेंट लॉ बनाती है या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाती है तो बड़ा लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। पहले बिल, एक बिल बनता है, वो लोकसभा में पेश होगा या फिर राज्यसभा में पेश होगा, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, अगर लोकसभा में पेश हुआ है फिर राज्यसभा में जाएगा, डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, फिर प्रेसिडेंट के साइन के ऊपर जाएगा, उसके बाद वो एक्ट बनेगा, लॉ बनेगा। लेकिन इस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कंसेप्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को इतना लंबा प्रोसेस नहीं फॉलो करना पड़ता कि एक हाउस पास करेगा, दूसरा करेगा, फिर बाद में प्रेसिडेंट साइन करेगा, नहीं, डायरेक्ट ही रूल रेगुलेशन बन जाती है, लॉ बन जाता है। दूसरी बात, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ना, ये इस जरिए भी फ्लैक्सीबल होता है, लॉ बनाने के मामले में भी बड़ा फ्लैक्सीबल होता है, और लॉ को कैंसिल करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल होता है। अगर कोई रूल बन गया, रेगुलेशन बन गया, और वो रूल रेगुलेशन ठीक नहीं लग रहा, तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज उस रूल रेगुलेशन को इमीडिएटली ख़त्म भी कर देते हैं। अर्थात फॉर एग्जांपल, आपको पता है अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक सिस्टम चलाया था ओड इवन गाड़ियों का, एक टाइम पे ओड चलेंगी, एक टाइम पे इवन चलेंगी, तो ये गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था, तो अगर ठीक लगा तो कंटिन्यू कर दिया, नहीं लगा ठीक तो कैंसिल कर दिया। पर अगर ये पार्लियामेंट लॉ बनाती तो कितना लंबा प्रोसेस चलता, एक हाउस में बिल पास होता, दूसरे में होता, फिर लॉ बनता, और उसको कैंसिल करने के लिए भी कितना लंबा प्रोसेस चलता। तो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, जल्दी जल्दी लॉ बनते हैं, कैंसिल हो जाते हैं बिना किसी टेक्निकलिटीज़ के, बड़ा ईजिली लॉ बन जाते हैं। तो इसके कारण भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की ग्रोथ हुई है, और ये इसका एक कहीं ना कहीं एक बेनिफिट भी है, एक फ़ायदा भी है, एडवांटेज भी है। अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं, वो है एमरजेंसी। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की क्यों ग्रोथ हुई है, इसका कारण ये भी है क्योंकि एमरजेंसी सिचुएशन के साथ लड़ना हो, एमरजेंसी सिचुएशन का सामना करना हो, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बहुत हेल्प करता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने या जो भी लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, मेन लॉ बनाने वाली अथॉरिटी है, वो अपनी पावर को एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को दे देती है कि आप लॉ बनाओ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जब लॉ बनाती हैं, तो अगर देश में एमरजेंसी की पोजीशन आ जाए तो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जल्दी जल्दी लॉ बना देती है, रूल बना देती है, रेगुलेशन बना देती है। एमरजेंसी, जैसे कि देश में बाढ़ आ गई, देश में भूकंप आ गया, देश का वॉर चल पड़ा देश की दूसरे देश के साथ, या फिर अब प्रेजेंट टाइम में कोरोना की बीमारी थी, कोरोना महामारी, तो कोरोना महामारी एक एमरजेंसी की सिचुएशन पैदा हो गई थी। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज थी, उनके पास पावर थी कि वो रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, और उन्होंने बनाए भी, उन्होंने बनाए रूल रेगुलेशन, जैसे कि लोग बाहर नहीं निकल सकते, घर के बाहर नहीं निकल सकते, इशेंशियल वस्तुओं को लेने के लिए जाएंगे, इशेंशियल वस्तुओं को बेचने वाली दुकान नहीं खुलेंगी, मैरिज में 50 से ज़्यादा बंदे इकट्ठे नहीं होंगे। अब जो ये भी रूल रेगुलेशन जो भी हैं, ये भी एक किस्म से लॉ ही हैं, इनको लॉ ही माना जाता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में बोला गया है कि रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन सारे लॉ माने जाएंगे, तो इनको लॉ ही माना जाएगा। अब ये जो लॉ हैं, इनको एमरजेंसी में बनाया गया, किसने बनाया, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ने, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज ने। तो जब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एमरजेंसी में इतना फायदा करवा रही है, इतना हेल्पफुल हो रही है, जल्दी जल्दी लॉ बना रही है, लोगों को सिचुएशन से सिचुएशन वरी कर रही है, चेंज कर रही है, तो जाहिर सी बात है इसकी ग्रोथ होना बनती है ना, तभी तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ग्रो हुआ है कंट्री में। और इसकी एडवांटेज भी है ये कि ये एमरजेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि पार्लियामेंट लॉ बनाएगी या स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएंगे ना, तो एक हाउस में पास होगा, दूसरे हाउस में पास होगा, फिर बहस होगी, डिबेट होगी, तो यही काम चलता रहेगा, लॉ नहीं बनेगा। सो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ रहा है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ग्रो क्यों किया, एमरजेंसी की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए। तो ये जो पॉइंट है, ये एडवांटेज में भी आ जाएंगे और ये इसकी साथ साथ ग्रोथ में भी आ जाएंगे। मैं बाद में हो सकता है एडवांटेज अलग से करवाऊं, उसमें मैं एडवांटेज में और जो 2-4 पॉइंट 5-6 पॉइंट करवा दूं, तो आप वो पॉइंट ग्रोथ में लिख सकते हो, जो ग्रोथ में है वो एडवांटेज में लिख सकते हो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी।
इसके अलावा एक और आप पॉइंट लिख सकते हो, वो है कम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। कम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये हुआ कि जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है, आज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, ये बड़ा कम्प्लेक्स है। तो इसको ईजी करने के लिए, इसको सरलता से चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पास पावर होनी चाहिए लॉ बनाने की। डेलीगेटेड लाइजेशन होना चाहिए भाई साहब, तभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी लॉ बना पाएंगी, रूल बना पाएंगी, और जो कम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन है इसको सरल कर सकती हैं, ईजी कर सकती हैं। तो ये भी एक कारण बना है डेलीगेटेड लाइजेशन की ग्रोथ का। अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।